अभी हम लोग ने आके मंगला जोड़ी में पहुंच गए हैं, जो कि चिलिका में है। चिलिका का एक पार्ट है। और हम लोग यहाँ बर्ड्स देखने आए हैं, जो कि विंटर में बहुत सारे कंट्री से बर्ड्स यहाँ आते हैं और बहुत वैरायटी का भी आते हैं, तो जो देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड है। तो अभी हम लोग ने आके मंगला जोड़ी रिजोर्ट में पहुंच गए हैं। अभी हम लोग यहाँ अभी फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कॉटेज है और पूरा गांव है चारों तरफ। यहाँ ऐसा कोई सिटी नहीं है, सिटी से बहुत दूर है, पूरा गांव है। और गांव के अंदर ये कॉटेज सब बनाया हुआ है, देखिए पीछे की तरफ। इसका अंदर वाला भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले लॉन्च कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं बर्ड्स देखने। अभी हम लोग बर्ड सेंचुरी में एंट्री कर रहे हैं, मंगला जोड़ी। ओ, इस टाइप का पानी एल्गी से भरा हुआ। ये देखिए काफ़ी धूप भी है और यहाँ बहुत सारा वैरायटी का बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। ये आ गया हमारा बर्ड। यह आ गया हमारा बर्ड। আপনি যেটা ফটো উঠেন সেটা কই वो क्या है? वो काला काला लाल चुंच कॉमन मुरी है। इडी ने दळ गुडा आछी के बोट फसी जाऊ नी जो परटा सुखेला जो बार्स मन बसी हां मंगला जोड़ी मेनली पक्षियों के लिए जाना जाता है, जो कि भुवनेश्वर से 75 किलोमीटर डिस्टेंस है। और यहाँ पे ठंडी शुरू होते ही हर कंट्री से पक्षी उड़ के यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको अच्छे से खाना मिल जाता है। ये चिल्का का एक पार्ट है और यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 3 to 4 feet तक पानी रहता है। और पानी से ज़्यादा यहाँ दलदल है, जो कि पक्षियों को यहाँ से अच्छा खाना मिल जाता है। दलदल से वो कीड़ा, छोटे छोटे सांप, छोटे छोटे मछली निकाल के खा लेते हैं आराम से। यहाँ का जो गाइड्स है वो बहुत अच्छे हैं, उनको पक्षियों के बारे में बहुत नॉलेज है और उनको सारे पक्षियों का जो नॉलेज है वो हमें पूरी बोटिंग में देते जा रहे थे। इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए कम से कम 4 to 5 days लग जाएगा, पर हमारे पास उतना टाइम था ही नहीं। फिर भी हमने अर्ली मॉर्निंग में गए थे एंड इवनिंग में गए थे, दो टाइम में हम मैक्सिमम कवर कर लिए थे।
और यहाँ पे पंछियों का जो आवाज़ है, उनका जो कॉल है, बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। कौन सा पक्षी है पूरे पानी में? यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है दिसंबर एंड से जनवरी एंड तक, तब तक यहाँ का पानी भी थोड़ा कम हो जाता है और छोटे छोटे जो पंछियाँ हैं वो भी अच्छे से दिख जाते हैं। अभी हम लोग बैग कर रहे हैं, फिर कल मॉर्निंग में और टूर लगानी है। अभी हम लोग ने पूरी 2 घंटा का बोटिंग करके अभी रिटर्न ले रहे हैं और हमें बहुत कुछ पंछियाँ देखने को मिल गया और उनके बारे में जानकारी भी बहुत कुछ मिल गया। ये था हमारा फर्स्ट डे इवनिंग का ब्लॉग एंड सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग हम और एक बार बोटिंग करेंगे और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में हमें क्या क्या पंछियाँ देखने को मिला वो मैं आगे जाएगी नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी मोबाइल। आगे अभी हम लोग एक टूर लगा के फिर मॉर्निंग में और एक टूर लगानी है। ये है जेटी पॉइंट। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे लोग हैं। अभी हम लोग आके कॉटेज में पहुँच गए हैं और एक टूर तो हो गया, मतलब दिन में आज जो करना था जो बुक था, फिर नेक्स्ट डे मतलब कल अर्ली मॉर्निंग में हम लोग को निकलना है। तो अर्ली मॉर्निंग में भी बहुत अच्छा सा सीनेरियो देखने को मिलता है, तो वो अर्ली मॉर्निंग में ही हम लोग को जाना पड़ेगा और कल 5:30 तक हम लोग यहाँ से निकलना है और फिर जाके वो जेटी पॉइंट में पहुँचना है ताकि फिर एक टूर हम लोग कर लेंगे तो अच्छे से सब कुछ कवर हो पाएगा, क्योंकि आज जो कवर करना था सब कुछ कवर हो गया, फिर कल मॉर्निंग में हम लोग को निकलना है। तो यहाँ आने के लिए एक्चुअली हम लोग ने ऑनलाइन सारा कुछ बुक किए थे और ये पैकेज हम लोग ने ले लिए थे, तो पूरा ये उनका मतलब स्टेइंग का जो है कॉटेज और साथ में डिनर लंच ब्रेकफास्ट इवनिंग स्नैक्स जो भी है सब कुछ इंक्लूडेड है और साथ में जेटी चार्जेस भी इसी में ही हैं। तो मिला के 1 नाइट स्टे करने के लिए इसमें मिला के मतलब 2 डेज एंड 1 नाइट के लिए 7,000 टोटल हम पे किए हैं। आज का ब्लॉग में मैं फर्स्ट डे इवनिंग का पूरा 2 आवर का बोटिंग जो है वो शेयर की हूँ। 2 आवर का फुल वीडियोज एंड पिक्चर शेयर करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जितना हो सके मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में हम और एक बार बोटिंग करेंगे, फिर 2 आवर का बोटिंग करेंगे और उसमें फिर नेक्स्ट पार्ट मेरी बहुत जल्दी आ रहा है और नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में क्या वीडियोज एंड क्या पिक्चर कैप्चर की हूँ उसको मैं शेयर करूँगी। तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।